हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिदी। एंड आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चंस यहां पे करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, BHU, JNU, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाली हूँ। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, और किस तरीके से आपके एग्जाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, हु इज कंसिडर्ड एट द मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी। तो ग्रीक कॉमेडी का मास्टर किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन हैं एसिलस को, सोफोकल्स को, या एरिस्टोफेनस को, या फिलिप को। तो ये इन चार ऑप्शन में से आप लोगों को स्टूडेंट पूरी कोशिश करनी है। अब आपके पास सिर्फ 1 मंथ रह गया है, अब आप कोशिश करो। जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चंस कराती हूँ, मैं जब तक यहाँ क्वेश्चन रीड करती हूँ, आप लोगों को उस क्वेश्चंस के आंसर देने हैं साथ ही साथ। इससे आपकी तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो जाएंगी, क्लियर, और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। बेशक आप लोगों का आंसर करेक्ट ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ट्राई जरूर करना, क्लियर। तो मास्टर ऑफ ग्रीक कॉमेडी किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है अरिस्टोफेन को। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बाकी को क्या क्या बोला जाता है। तो अगर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, तो पहला अगर आप यहाँ देखेंगे एसिलस को, तो एसिलस को क्या बोला गया है? फ्रीक ट्रेजेडी के फाउंडर थे ये। क्या? फ्रीक ट्रेजेडी के ये फाउंडर संस्थापक थे, और साथ ही साथ ये ऑथर किसके थे? प्रोमिथस बाउंड के। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रोमिथस बाउंड के लेखक कौन थे, तो वो कौन थे? एसिलस। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग साथ साथ कवर अप करेंगे। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन बनेंगे, वो सब कुछ मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी। तो स्टूडेंट पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, जो जो बातें मैं आपको यहाँ बताती हूँ, सबको नोट डाउन करते जाओ, क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट कौन है? सोफोकल्स। तो सोफोकल्स को क्या बोला जाता है? ग्रेटेस्ट ग्रीक ट्रेजेडियन। तो इनको महान यूनानी त्रासदी माना जाता है। लास्ट हम बात करेंगे फिलिप को। तो फिलिप को माना जाता है किसके? अलेक्जेंडर के पिता, यानी कि सिकंदर के पिता। किसे माना जाता है? फिलिप को। तो ये मैंने बाकी के ऑप्शंस भी आप लोगों को बता दिए। ये पॉइंट जरूर लिख लेना, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को इसको जरूर लिख कर आना, ठीक है। तो एसिलस कौन थे? ये फ्रीक ट्रेजेडी के फाउंडर थे, और प्रोमिथस बाउंड के वो ऑथर थे। तो बुक और ऑथर भी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बनते रहेंगे, वैसे वैसे मैं आपको यहाँ कराती रहूंगी, ओके। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आधुनिक विश्व की प्रथम महिला शासन अध्यक्ष कौन थी? हु वॉज द मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ गवर्नमेंट। आपके ऑप्शन हैं इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है श्रीमाव बंडारू नायक, या इसबाल पर्नन, या गोल्डा मेयर। तो उस समय जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो पहली वुमेन थी, जो गवर्नमेंट की हेड थी, वो कौन थी? श्रीमाव बंडारू नायक। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के कोई भी एक पर्सन को रख दिया जाएगा, लाइक कोई अमेरिकन का प्रेसिडेंट हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखते हैं आपसे किस तरीके से पूछा गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फेडरिक्स फ्योरडेट ने क्या किया था? आपके ऑप्शन है फ्रांस क्रांति की व्याख्या में एलेक्जेंडर द टॉकोविल की चर्चा की थी, या फ्रांसी क्रांति की व्याख्या में कार्ल मार्क्स की चर्चा की थी, या इन दोनों की ही इन्होंने चर्चा की थी, या इनमें से किसी की नहीं की थी। तो फ्रेंचाइज फ्यूरेट जो है, उन्होंने किसकी चर्चा की थी? तो वो थे एलेक्सिस दे टोक्यो वैली। इनके बारे में फ्रेंच क्रांति में इन्होंने इसकी व्याख्या की थी, क्लियर। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट आपको मेन इंपॉर्टेंट बात रखनी है कि आपको ये चीज याद रखनी है, टोक्यो वैली, क्लियर। क्योंकि ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिला आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, अगर आपने चेकआउट किया होगा। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में, बट इन्होंने देखो लाइन कैसे चेंज कर दी है। बट अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फेकोस फ्यूट ने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, दूसरों के बीच में टोकोविल की अंतर्दृष्टि का उपयोग करके फ्रांस क्रांति की व्याख्या की थी, या अन्य लोगों के बीच लेफोर्ट की अंतर्दृष्टि का उपयोग करके फ्रांस क्रांति की व्याख्या की थी,
या फिर आर्थिक नित्यवाद के माध्यम से फ्रांस क्रांति की व्याख्या की थी, या दूसरों के बीच में सोबेल की अंतर्दृष्टि का उपयोग करके फ्रांस की क्रांति की व्याख्या की थी। तो उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ इन्होंने ऑप्शन चेंज कर दिया, यहाँ इन्होंने हर एक ऑप्शन में फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की है, और ये बात तो आप जानते हैं इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही चीज की थी, लेकिन अब आपको यहाँ कंफ्यूज करा जा रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने अभी आपको याद कराया था, टोक्यो वैली से याद कर लेना, जहां ये ऑप्शन दिखे उसे टिक कर देना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन वही आएगा बट ऑप्शन को थोड़ा सा बदल देंगे, तो बट आपको उस क्वेश्चन का एक मेन पॉइंट पकड़ना है जिस वजह से आपका क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्राहिम लिंकन द्वारा जारी मुक्ति उद्घोषणा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम लिंकन के बारे में जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इशूड बाय इब्राहिम लिंकन, तो आपके ऑप्शन दे रखे थे मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी फॉर फॉर्मर स्लेव, तो उन्होंने क्या किया था, जो पूर्व के दासों थे उनके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी, या पूर्व दासों को मतदान का अधिकार दिया था, या गुलाम मालिकों को जब्त कर बगान दिया था, या फिर गुलामी के उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा था। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, वॉज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप लीडिंग ऑफ द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं इसमें आपको डिटेल से बताऊं, ये मैंने इसलिए डिटेल में बताया स्टूडेंट क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि अब्राहम लिंकन जो है वो फेमस है किस चीज के लिए, तो हुआ है गेटिसबर्ग के लिए, ठीक है, गेटिसबर्ग, ये क्वेश्चन आया हुआ है, गेटिसबर्ग के लिए ये प्रसिद्ध है, जो दास सिस्टम है उसको समाप्त करने और चार राष्ट्रपतियों में से एक की इसने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, क्लियर। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अब्राहम के पिता ने पुनर्विवाह किया था, ठीक है, क्या किया था, रीमैरिज किया था, जैसे जैसे सीमा का विस्तार हुआ और अधिक आबादी होती गई वैसे वैसे जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती गई, जैसे जैसे बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमारी जो उनकी फ्रंटियर है वो एक्सपेंड होती गई और फैलती गई और बढ़ती गई, पॉपुलेशन भी बढ़ता गया, वैसे वैसे लाइफ की क्वालिटी भी क्या होती गई, बढ़ती गई, क्लियर। तो लिंकन जल्दी अपने आप में टूट गए और न्यू सलेम चले गए, तो कहाँ चले गए ये आपको याद रखना है कि अब्राहम लिंकन उसके बाद वो कहाँ चले गए, न्यू सलेम में चले गए। तीन पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, पहले कौन से, कि गेटिसबर्ग संबोधन के लिए प्रसिद्ध थे और इन्होंने दास सिस्टम जो है उसको समाप्त कर दिया था, तीसरा आपको याद रखना कहाँ चले गए, न्यू सलेम में चले गए, क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में लिए बहुत काम आने वाले हैं आप सबको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न क्वेश्चंस रेफर्स टू इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एंड पॉलिटिक्स रिलेटिंग टू, पूर्वी प्रश्न जो है अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और राजनीति से संबंधित है। आपके ऑप्शन है स्पेन के साम्राज्य से संबंधित है, पुर्तगाली साम्राज्य से, या तुर्क साम्राज्य से, या चीन से। तो बताओ ये जो ईस्टर्न क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आप लोगों का ओटोमन एम्पायर, तुर्क साम्राज्य से। तो आपका राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बैटल ऑफ वर्ना, तो बैटल ऑफ वर्ना कब लड़ा गया था यह युद्ध, 1839 में, 1444 में, 1959 में, या 1672 में। तो बैटल ऑफ वर्ना लड़ा गया था 1444 में, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। स्टूडेंट अभी आपको ये पता है मैंने आपको इंडियन हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट बैटल्स करा दिए हैं, अब मैं आगे जो वीडियो लेके आने वाली हूँ वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बैटल्स से भी लेकर के आऊंगी, ठीक है। आज मैं आपको यहाँ बैटल्स कराऊंगी विद एक्सप्लेनेशन के साथ, लेकिन मैं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री के बैटल्स भी लाऊंगी ताकि उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आए तो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आप उसको इजीली से कर पाए, ओके। तो आज अभी मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रही हूँ अभी आप इतना कर लो, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो बैटल ऑफ वर्ना जो है कब हुआ था, आपको डेट याद रखनी है, 10th November 1444, कहाँ पर हुआ था, वर्ना में, कहाँ पे, इन ईस्टर्न बुल्गेरिया में, ठीक है, बुल्गेरिया में वर्ना के पास ये युद्ध लड़ा था। किसके बीच में हुआ था, ये समझो, ये हुआ था सुल्तान मुराद द्वितीय के तहत तुर्क सेना ने पोलैंड के वैदिस्टियस थर्ड जॉन हनादी वालिचिया के मार्सिया द्वितीय की कमान वाली हंगरी पोलिश और वेलेशियन सेनाओं को क्या करा, इसने हराया था, और ये वर्ना के धर्मयुद्ध की अंतिम लड़ाई थी। तो ये क्या था, वर्ना की ये क्या थी,
अंतिम लड़ाई, फाइनल लड़ाई थी। तो आपको ये याद रखना है, कोई भी बैटल होता है तो आपको ये याद रखना है ये बैटल कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया, किनके बीच लड़ाई हुई और उस बैटल में विजय किसने प्राप्त किया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आप इसको नोट डाउन करोगे तो आपको ये कभी नहीं भूलोगे। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा बैटल देखेंगे तो वह है बैटल ऑफ कोसवो। तो बैटल ऑफ कोसवो का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, 1385 में, 1389 में, 1372 में या 1459 में। हो सके तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताते रहो कि आपका आंसर क्या है, ताकि आप लोग को की और भी कॉन्फिडेंस बढ़े कि आप कितने नियर अबाउट हैं अपने आंसर की तरफ। तो कोसवो का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1389 में। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। अब इसको डिटेल में समझना, मैं चाहती तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर बता के आगे भी बढ़ सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जो ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर हो जाए, भूलो ना, और फिर ये क्वेश्चन में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग इसको अच्छे से कवर अप कर लो। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहो, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करो। आप लोग लाइक शेयर बहुत कम करते हैं, सपोर्ट करो, साथ ही साथ मैं आपके लिए मेहनत करे तो आप भी मेरे साथ दो, लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करो। ओके, तो बैटल ऑफ कोसवो हुआ था 15 जून को 1389 में, किसके बीच में, तो ये हुआ था सर्बिया के राजकुमार लजार हर्बेल जॉनिको के की अगुलाई वाली सेना और सुल्तान मुराद हडवेडिनर की कमान के तहत तुर्क साम्राज्य की एक हमलावर सेना के ये बीच में हुआ था। तो जितना भी आप येलो शेड देख रहे हैं इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस के बीच में, तो ये जो बैटल हुआ था ये हुआ था किसकी आर्मी के बीच में, सर्बियन प्रिंस लजार हर्बेल जॉनिको के बीच में, और किसके बीच में, ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान मुराद के बीच में ये हुआ था ये बैटल। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी, कब और किसके बीच में हुआ था, क्लियर। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है। तो मुराद आपने देखा ऑटोमन एम्पायर की तरफ था, तो इस बैटल में क्या हुआ था, मुराद की यहाँ पे क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्लियर। इसको मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। तो ड्यूरिंग क्या हुआ, 27 साल में, अपने 27 वर्षों के शासन के दौरान पे क्या हुआ, मुराद प्रथम ने 37 महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी। याद रखना, इसने मुराद फर्स्ट ने जो है कितनी बैटल्स लड़ी, 37 इंपॉर्टेंट बैटल्स जीती और सारी की सारी ये लड़ाइयां युद्ध जो है जीत भी लिए, ठीक है। बट जो 1389 में जब ये कोसवो की लड़ाई के दौरान वो क्या हुआ था, मारा गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बैटल ऑफ कोसवो के दौरान कौन मारा गया था, तो आपका राइट आंसर होगा मुराद फर्स्ट। तो उसमें क्या हुआ था कि जब तक सर्बिया सुरवीर मिलोवस ओलंपिक ने युद्ध के बाद युद्ध के मैदानों को जांच करते समय उसको चाकू से मार दिया था, इस प्रकार उसे एकमात्र तुर्क सुल्तान बना दिया गया था, जो युद्ध के दौरान क्या हुआ, मारा गया। तो ये ओटोमन, उसे क्या बनाया गया था, एक ओटोमन सुल्तान बना दिया गया था, लेकिन इसी दौरान वो क्या हो गया, वो इस बैटल में, इस युद्ध में मारा गया। कौन से युद्ध में, कोसवो की, बैटल ऑफ कोसवो में कौन मारा गया था, मुराद फर्स्ट। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते जा रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच यूरोपियन विक्ट्री ओवर ओटोमन फोर्सेस वर मेमोरलाइज्ड बाय द आर्टिस्ट टिटियन टिंटोरिटो एंड वेरोनिस। तो टिटेरियन टिंटोरिटो और वेरोनिस कलाकारों ने तुर्क सेना पर किस यूरोपियन जीत की याद दिलाई थी, बैटल ऑफ चलिदियन, बैटल ऑफ डिश, बैटल ऑफ लिपांतो या बैटल ऑफ प्रिवेजा। तो ये जो कौन सा बैटल हुआ था जिसमें उन्होंने तुर्क सेना की याद दिलाई थी, तो वो हुआ था आपका लिपेटो की लड़ाई, बैटल ऑफ लिपेटो। तो आपका राइट आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगर मैं इसमें और भी आपको बातें बताऊं तो जो बैटल हुआ था लिपेटो का, उसमें ये क्या था, एक नौसैनिक सगाई थी। जी कब हुआ था बैटल, आपको याद रखना है 7 अक्टूबर 1571, डेट याद रखना, जो पोप पायस वी द्वारा व्यक्तिगत कैथोलिक राज्यों में गठबंधन होली लीग के एक बेड़े ने पेट्रोस की खाड़ी में तुर्क साम्राज्य के बेड़े पर एक बड़ी हार की सामना किया था। तो यहाँ पर इसके बीच में जो कैथोलिक स्टेट है, इसने क्या किया था, पोप पायस फिफ्थ ने, इसने किसमें, इन्होंने क्या हार सामना करना पड़ा, किसे, ओटोमन एम्पायर के गुल्फ ऑफ पेट्रेस को, यहाँ पे बहुत ही बड़ा उनको हार का सामना करना पड़ा। तो आपको बैटल याद रखनी है कब हुई थी, 1571 में। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही खास है
और इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इजी भी है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आ जाते हैं। और यहाँ आपसे पूछा गया है कि फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, उन्हें इतिहास लेखन के जनक के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का हेरोडोटस है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन बहुत से बच्चे इसको इसलिए नहीं लगाते क्योंकि सब सोचते हैं कि इन्हें तो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है उन्हें इतिहास लेखक के जनक, क्योंकि इन्होंने ही पूरी इतिहास लिखी थी। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। तो आपका यहाँ राइट आंसर इसलिए होता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? अब इसको गलत मत करके आना आप लोग अपने एग्जाम में। अगर हम हेरोडोटस की बात और जानेंगे तो हेरोडोटस क्या थे? ये एक यूरानी लेखक थे, एक जोग्राफर मतलब भूगोलवेत्ता थे, एक इतिहासकार थे, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? फारसी साम्राज्य के भाग ग्रीक शहर हेलिकॉरस में इनका जन्म हुआ था। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? सिटी है हेलिकॉरस, और पार्ट कहाँ है? पर्शियन एम्पायर में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें ही इज नोन फॉर हैविंग राइटिंग द स्टोरीज, उन्हें इतिहास लिखने के लिए जाना जाता है। ग्रीक फारसी युद्ध का विस्तृत विवरण, ठीक है। हेरोडोटस ऐतिहासिक घटनाओं की व्यक्तिगत जांच करने वाले पहले लेखक हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हेरोडोटस का जो पहला राइटर कौन है जिन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट की इन्वेस्टिगेशन की थी, ऑफिस के बारे में लिखा था, वो कौन थे? हेरोडोटस थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। हेरोडोटस सिर्फ फादर ऑफ हिस्ट्री ही नहीं है, फादर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग भी है। वो पहले राइटर हैं जिन्होंने हिस्टोरिकल इवेंट की इन्वेस्टिगेशन करके और उसको लिखा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? हेरोडोटस। आई होप आप लोगों को अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपके टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोगों को क्विज़ में दिया था, और मैंने यहाँ नोट किया था कि ये वाला आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत करा था, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ताकि मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को एक्सप्लेनेशन के साथ बता सकूं। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इन वेस्टर्न कंट्री द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस टू प्लेस बिटवीन, पश्चिम देशों में पुनर्जागरण का प्रभाव जो किसके टाइम पर किस बीच में हुआ था? आपके ऑप्शन थे 500 से 1500 तक, 500 से 1800 तक, 1300 से 1500 तक, या 1300 से 1800 तक। तो वेस्टर्न कंट्री में जो रेनेसांस का प्रभाव है वो था 500 से 1500 तक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगी। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें बहुत बच्चों ने इसका आंसर टेलीग्राम पे बहुत ही गलत दे रखा था, तो इसलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो रेनेसांस टू प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज बिटवीन 500 से 1500 एडी। तो पश्चिम देश में पुनर्जागरण जो है वो 500 से 1500 ईसा के बीच में हुआ था। यह अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक आंदोलन है। ये क्या था? ये एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है। इसका मतलब है कि शास्त्रीय साहित्य, सीखने और कला के लिए नया उत्साह जो मध्य युग के करीब पश्चिमी देशों में उभरा। तो इस टाइम पर क्या हुआ था? लोगों में क्लासिकल लिटरेचर, लर्निंग और आर्ट वेस्टर्न कंट्री में इस टाइम पर क्या उभरा था कि लोगों को अब शौक हुआ था, इंटरेस्ट जगा था, और जिसने 500 से लेकर 1500 के सदियों के दौरान यूरोप को एक नई संस्कृति दी। जिसके दौरान क्या हुआ? अब यूरोप में इस दौरान क्या हुआ, 500 से लेकर के 1500 की जो सेंचुरी थी उसमें हमें यूरोप में एक नया कल्चर देखने को मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब लोगों को शास्त्रीय साहित्य सीखने और कला के लिए एक नया उत्सव, एक उत्साह देखने को लोगों को मिला। तो यहाँ पे यूरोप में एक नई संस्कृति देखने को मिली उन्हें किस टाइम पर? 500 से लेकर के 1500 के बीच में। क्लियर हो गया? तो इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो रेनेसांस का आप लोगों का पुनर्जागरण मतलब रीबर्थ, पुनर्जन्म होता है। तो यहाँ पे क्यों अब पुनर्जन्म क्यों बोला? क्योंकि लोगों को अब यहाँ पे जो क्लासिकल लिटरेचर है, लर्निंग और आर्ट, इन सब में अब लोगों को देखने को मिलता है। इस वजह से अब हमारे यूरोप में क्या एक नया कल्चर देखने को मिलता है। तो कुछ नया हुआ, इट मीन्स रीबर्थ हुआ, ठीक है, पुनर्जागरण या पुनर्जन्म हुआ, इसी को बोला गया था। इसलिए इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया हो कि ये क्यों बोला गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट रीजन फॉर बोलिविया वाटर वॉर। तो बोलिविया का जो जल युद्ध हुआ था उसका महत्व व पूर्ण कारण क्या था। ऑप्शन दे रखे थे डिक्रीज इन वाटर सप्लाई बाय द MNC, तो पानी का सप्लाई यहाँ पे कम हो गया था इस वजह से, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाटर बाय द गवर्नमेंट, वाटर के प्राइस को बढ़ा दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, या प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर पानी का निजीकरण की वजह से, या प्रेशर ऑफ वर्ल्ड बैंक टू रिलीज वाटर पानी छोड़ने के लिए विश्व बैंक का दबाव था। तो बोलिविया वाटर वॉर जो हुआ था वो हुआ था पानी का निजीकरण प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के वजह से। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो अब हम इसको समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, कोचाम्बा जल युद्ध जो है, याद रखना बोलिविया वाटर वॉर को कोचाम्बा वाटर वॉर भी कहा जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, जो कहाँ पर हुआ था, कोचाम्बा में हुआ था, ठीक है, कोचाम्बा में हुआ था, इसीलिए इस वॉर का नाम भी उसी लिए रख दिया गया। विच इज बोलिविया फोर्थ लार्जेस्ट सिटी, और ये क्या है, ये बोलिविया की चौथे नंबर पे सबसे बड़ी सिटी है, और ये इन रिस्पॉन्स टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिटी म्यूनसिपल वाटर सप्लाई। तो यहाँ पर जो शहर की नगर पालिका जल आपूर्ति के निजीकरण में जवाब में बोलिविया का चौथा सबसे बड़ा शहर था। बोलिविया सरकार आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही थी और मदद के लिए विश्व बैंक का रुख किया उन्होंने। तो उन्होंने क्या करा, तो बोलिवियन गवर्नमेंट जो है वो एक इकोनॉमिक चैलेंज से फेस ऑफ कर रही थी, तो इसने उन्होंने क्या करा, वर्ल्ड बैंक के लिए मदद मांगी उन्होंने। तो उन्होंने जनरेट करी इंडिपेंडेंट ग्रोथ स्वतंत्र, तो उन्होंने क्या बोला कि अब हमें अपने विकास के लिए, उन्होंने क्या करा, बोलिविया को स्थिरता लाने के लिए अपने रेलवे, टेलीफोन सिस्टम, एयरलाइंस, हाइड्रोजन इंडस्ट्री को का उनको निजीकरण करना पड़ा, ठीक है, क्यों, ताकि अपने विकास के लिए, स्वतंत्र विकास के लिए उन लोगों ने सबका क्या करा, प्राइवेटाइज किया, उसको उसका निजीकरण किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे जितनी बातें बतनी है ये सब आपको याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसका कारण इसमें से क्या नहीं है। This was not the reason for Indo-China war in 1962. तो border dispute between two countries, दो देशों के बीच सीमा विवाद, तो ये बिल्कुल ये reason है, इसी वजह से इंडिया का चाइना की लड़ाई हुई थी। Chinese regarded India as their main rival in Asia. चीनियों ने भारत को एशिया में अपना मुख्य प्रतिद्वंदी माना, बिल्कुल ये भी एक reason था। Growing friendship between India and former Soviet Union, भारत और पूर्व सोवियत संघ के बीच बढ़ती दोस्ती, ये भी एक रीजन था। बट ग्रोइंग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती, ये युद्ध का कारण नहीं था, इसलिए आपका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। अगर हम इंडो चाइना वॉर की बात करेंगे तो आपको डेट याद रखनी कब हुई थी, 1962 में, और इसका बॉर्डर किन दो कंट्रियों के बीच में था। तो यहाँ पे जो 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था इसके मुख्य कारण दो देशों के बीच सीमा विवाद था, दो देश के बीच में क्या था, सीमा के विवाद की वजह से लड़ाई हुई थी। भारत और पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, कौन कौन, इंडिया और सोवियत यूनियन जो है, के बढ़ती दोस्ती, और चीन ने भारत को अपने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में देखा, ठीक है। तो चाइना जो है उसने क्या भारत को अपने किसके फ्रेंडशिप के उसमें देखा, लेकिन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती दोस्ती का कोई भी कारण यहाँ पे नहीं था, क्लियर हो गया। तो ये क्या इंडो चाइना वॉर का आपको मैंने बता दिया, ये सारे पॉइंट जितना नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, क्लियर। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको दे दिया जाएगा और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सही से स्टार्ट से लेकर के लगाना है रेंज में। पहला है जेम्स हार्डवे स्पाइनिंग जेनी, जॉन के फ्लाइंग शटल, सैमुअल क्रॉम्पटन म्यूल एंड रिचर्ड आर्कविट वाटर फ्रेम। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो चलिए इसको अरेंज करते हैं, तो बात करेंगे तो जो सबसे पहले आए थे वो आए थे आपके जॉन की, कौन आए थे, जॉन की सबसे पहले आए थे, उसके बाद आए थे आपके जेम्स हार्विक, ठीक है, इसके बाद कौन आए थे आपके जेम्स हार्विक स्पाइनिंग जेनी, और उसके बाद आए थे आप लोगों के रिचर्ड आर्कविट वाटर फ्रेम, और लास्ट में आपके आए थे सैमुअल क्रॉम्पटन म्यूल, ठीक है। तो इस वजह से आपका सीक्वेंस क्या बनता है, 2 1 4 3, 2 1 4
थ्री आपका राइट सीक्वेंस है। तो करेक्ट आंसर होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के करो और इस तरीके के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में देखें तो आपको उसको तुरंत कर पाए, प्रॉब्लम में या कंफ्यूजन में ना फंसे। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने क्वेश्चन इसलिए रखे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं है या इनमें से कौन सा आंसर सही है या इसको सही तरीके से लगाओ या इसका रीजन नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आज मैंने इसलिए रखे क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ज्यादातर। तो आज मैंने सीधे क्वेश्चन नहीं रखे, थोड़े घुमा कर रखे हैं ताकि आपको एग्जाम में ऐसे हेल्प रहे, क्योंकि यहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, चाहे उन्हें किसी भी टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे लेकिन वो यहीं पे फंसते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन की जितना हो सके अब तैयारियां करना शुरू कर दो, एक महीना बचा है, टाइम मत वेस्ट करना स्टूडेंट। ओके, अगर आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स रहा मेरी वीडियो पर, अच्छे लाइक्स रहे, अच्छे व्यूज रहे, तो मैं अब आपके लिए दिन में एक नहीं दिन में दो बार वीडियो अपलोड करूंगी अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो। तो मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बट उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। अगर मेरी वीडियोज़ पे ज़्यादा अच्छे व्यूज रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको पसंद करेंगे, तो ही मैं आप लोगों के लिए दिन में दो बार वीडियो लेकर आया करूँगी। बाकी दिन में एक बार वीडियो आती है रात के 10 बजे, वो आती रहेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप लोग अपनी तैयारियां साथ में करते रहें, टेलीग्राम चैनल पे क्विज अपलोड होते रहेंगे, उसको अच्छे से करना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन गलत है जो करेक्ट मैच नहीं करता है। तो और साथ ही साथ जो यहाँ ऑप्शन है ना, इसको याद भी करना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काम आने वाला है। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। लाइफ्स ऑफ इरिस्टोरियस मैन किसे बोला गया? प्लूटार्क को, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महानयुग अनुभव का जीवन किसे क्या है? प्लूटार्क को बोला गया है, ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोमेथिकस बाउंड कौन है? एसेथिकल्स, तो ये बिल्कुल सही है। गलत ऑप्शन क्या है आप लोगों का? ऑप्शन नंबर डी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। ये ऊपर के तीनों आप लोग याद भी कर लेना क्योंकि सिंगल में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द फ्रॉम द फंडिंग ऑफ द सिटी? फ्रॉम द फंडिंग ऑफ द सिटी के ऑथर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आपके बुक्स एंड ऑथर देखने को मिलते हैं। तो फ्रॉम द फंडिंग ऑफ द सिटी के जो ऑथर थे वो थे लिवी। तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि द पेलोपोनेशियन वॉर जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? कौन सी दो सिटीज के बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, स्पार्था और एथन के बीच में ये पैथोलिन वॉर हुआ था। वॉर से रिलेटेड भी आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसीलिए आप लोग वॉर भी बहुत अच्छे से कर लो। बाकी मैं इसके लिए आगे वीडियो लेकर के आऊंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के भी बैटल्स आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी, स्पार्टा और एथेंस के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ओटोमन लीडर कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल एंड एक्सपेंडेड द ओटोमन एम्पायर इनटू एंथोपोलिया एंड द बलकान्स। तो किस तुर्क नेता ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था और ओटोमन साम्राज्य को अनातोलिया और बालकान में विस्तारित कर दिया था? तो वो थे आपके महमूद सेकंड, महमूद द्वितीय थे। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटोमन डायनेस्टी के लास्ट खलीफा और क्राउन प्रिंसेस जो टर्की के थे वो कौन थे? तो हु वाज द लास्ट खलीफा एंड क्राउन प्रिंस ऑफ ओटोमन डायनेस्टी टर्की के? तो वो थे अब्दुल महजिद द्वितीय सेकंड। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड नोटिफिकेशन आप पे आए। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करो, जितने ज्यादा व्यूज आप कहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि दिन में दो बार वीडियोज आप चैनल पर आए आपके एंट्री एग्जाम तक, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, और ऐसे वीडियोज आप लोग चाहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के चैनल पर लेकर आऊं तो मुझे कमेंट करके बताओ, और वर्ल्ड हिस्ट्री के बैटल्स भी लेकर आना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, जितने ज्यादा आप कमेंट आपके आएंगे, व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, उतनी ज्यादा आपके वीडियो भी चैनल पर देखने को मिलेंगी। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी की वीडियोस भी आप लोग जरूर देखना, आपके एंट्रेंस एग्जाम में काम आएंगे। अब आप रिवीजन करना शुरू कर दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब एक ही महीना है और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। ओके, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना,
बाकी की अब हम अपने क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। आज की क्लास में बस इतने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।